हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीदी सक्सेना श्री मनु सिंघारे कन्या कॉलेज से। बच्चों, आज मैं आपको संगीत में पढ़ाऊंगी राग जातियाँ। ठीक है, राग जातियाँ। राग जातियाँ जो टॉपिक है बच्चों आपका फर्स्ट ईयर में और इंटर में दोनों में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में म्यूजिक है, इसमें जो राग जातियाँ टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें क्या है कि बच्चों राग के स्वरों की संख्या, किसी भी राग में स्वरों की संख्या के आधार पर राग का जो वर्गीकरण किया जाता है वो राग जाति कहलाता है। ठीक है, यानी राग में, किसी भी राग में आरोह अवरोह, आरोह अवरोह की स्वर संख्या के अनुसार राग का वर्गीकरण राग जाति कहलाता है। है ना, राग में आरोह अवरोह की संख्या, है ना, स्वर संख्या जितनी होती है उसके अनुसार राग का वर्गीकरण ही राग जाति कहलाता है। बच्चों बताऊंगी मैं आपको आरोह अवरोह क्या होता है। आरोह और अवरोह, ठीक है, आरोह क्या होता है, यानी सा से सा तक। आप देखेंगे जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था सप्तक, उसमें था मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक में जो स्वर होते थे वो बीच के स्वर होते थे, मध्य सप्तक यानी नीचे के स्वर, तार सप्तक यानी ऊंचे के स्वर। तो जो बीच के स्वर होते हैं बच्चों, मध्य सप्तक वाले स्वर जो होते हैं वही ज़्यादातर गीत में, राग में, गानों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो भी गीत हम गाना, जो भी राग गाते हैं वो मध्य सप्तक से ही लिए जाते हैं स्वर। तो सा से मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक जाना, यानी नीचे से ऊपर जाना, उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोह, और ऊपर से नीचे आना यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोह। सा से सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें अगर हम तार, वैसे हमारे स्वर होते हैं सात, और अगर हम तार सप्तक का सा छोड़ देते हैं तो ये आठ हो जाते हैं। वैसे स्वर की संख्या है सात। सा नी धा पा मा गा रे सा, ये दो बार सा आया है, सा को रिपीट किया गया है, वैसे स्वर आपके ये। ठीक है बच्चों, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जिसे हम कहते हैं आरोह अवरोह, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर राग जाति का। इसमें आप देखेंगे कि राग की कितनी जातियाँ होती हैं। तो राग जातियाँ तीन प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर वन संपूर्ण, नंबर टू षाडव, नंबर थ्री औडव। ठीक है बच्चों, संपूर्ण यानी सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है जिस राग में, आरोह अवरोह में। षाडव यानी छह स्वर, ठीक है, सात स्वर, छह स्वर, औडव यानी पांच स्वर। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्या है, तीनों जो आपकी जातियां हैं। बच्चों देखेंगे सबसे पहली है संपूर्ण। ठीक है, इसमें क्या है कि जिस राग में या जिस राग के आरोह अवरोह, ठीक है, जिस राग के आरोह अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है किया जाता
जाता है, ठीक है, संपूर्ण राग, राग जाति कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये होता है जिस राग के आरोह अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण राग जाति कहलाता है। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे राग जिसमें संपूर्ण स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो है पूर्वी राग, भैरव, भैरवी, ये राग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है आपका षाडक। ठीक है बच्चों, जिस राग के, अभी मैंने आपको बताया है, जिस राग के आरोह अवरोह में छह स्वरों का प्रयोग किया जाता है के आरोह अवरोह में छह स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं षाडंग राग जाति। ठीक है, उदाहरण देखेंगे बच्चों, मारवा राग जो है जिसमें छह राग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मारवा राग। उसके बाद आता है तीसरा औडव जाति। ठीक है बच्चों, औडव जाति में क्या है कि जिस राग के आरोह अवरोह में पांच स्वरों का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं हम औडव राग जाति। ठीक है बच्चों, जिस राग के आरोह अवरोह में पांच स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम औडव राग जाति कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण देखेंगे, मालकोस राग, मालकोस राग है जिसमें पांच स्वर लगते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी आपको टॉपिक क्लियर हो गया है कि राग जाति किसे कहते हैं और राग जाति के तीन प्रकार हैं वो किस किस प्रकार है और उसमें कैसे कैसे कितने कितने स्वरों की संख्या लगती है, प्रयोग की जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों कि एक तो जौनपुरी राग और भीमपलासी, जौनपुरी भीमपलासी राग जो इस तरह के राग हैं जिनमें क्या होता है आरोह में स्वरों की जो संख्या अलग होती है और अवरोह में स्वरों की संख्या अलग होती है। जब इन दोनों स्वरों में आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या अलग होती है इस हिसाब से नवीनतम हम देखते हैं जातियाँ जो हैं हमारी जातियों के साथ उपजातियाँ भी बनाई गई हैं। तो हम देखेंगे उपजातियाँ कितने प्रकार की होती है, नौ प्रकार की होती है। अब हमने जो जाति देखी थी वो कौन सी थी, नंबर वन हमारी थी संपूर्ण, ठीक है, नंबर टू थी हमारी षाडव, नंबर थ्री औडव। अब हम बनाएंगे इनकी उपजातियाँ, इनके अनुसार हम बनाते हैं जातियाँ। तो हम देखते हैं संपूर्ण संपूर्ण, फर्स्ट है संपूर्ण संपूर्ण, सेकंड है संपूर्ण षाडव, ठीक है, थर्ड है संपूर्ण औडव, ठीक है, फोर्थ है हमारी क्या है षाडव है हमारी, तो षाडव संपूर्ण और षाडव षाडव, ठीक है, षाडव औडव, ठीक है, ये हो गई हमारी जातियाँ। इसके अलावा आगे है हमारी दो तीन जातियाँ और, तीसरी है हमारी औडव संपूर्ण औडव षाडव और औडव औडव, ठीक है, ये जातियाँ जो है हमारी उपजातियाँ कहलाती हैं। अब नंबर वन हम देखेंगे संपूर्ण
प्रजातियां कैसी होती हैं? इसे देखेंगे, जिस राग में या जिस राग के आरोह में सात स्वर तथा अवरोह में सात स्वर का प्रयोग किया जाता है, स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं? संपूर्ण संपूर्ण राग जाति कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा संपूर्ण संपूर्ण राग जाति हो गई। फिर है दूसरा संपूर्ण षाडव। ठीक है, संपूर्ण षाडव में क्या है? जिस राग के आरोह में कितना सात छः आपके संपूर्ण में ना सात स्वर हैं, सात स्वर हैं, स्वर तथा अवरोह में छः स्वर स्वरों का प्रयोग किया जाता है, राग जाति कहते हैं। संपूर्ण षाडव हो गया बच्चों। अब थर्ड है संपूर्ण ऑर्डर। ठीक है, इसमें देखेंगे जिस राग के आरोह में सात स्वर तथा अवरोह में पांच स्वरों का प्रयोग होता है, उसे संपूर्ण ऑर्डर राग जाति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट षाडव संपूर्ण। षाडव संपूर्ण में देखेंगे आप, जिस राग के आरोह में कितने षाडव यानी छह स्वर तथा अवरोह में सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? षाडव संपूर्ण राग जाति कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है षाडव षाडव। जिस राग में या जिस राग के आरोह अवरोह में छह स्वरों का प्रयोग किया जाता है, षाडव षाडव राग जाति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है षाडव और ऑर्डर। इसमें है जिस राग के आरोह में छह तथा अवरोह में पांच स्वरों का प्रयोग
लिया जाता है। शाडव औडव राग जाति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपकी छह जातियां उपजातियां हो गई है। नेक्स्ट तीन और आपकी जाति रहेगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। औडव संपूर्ण, जैसे जैसे आपके स्वरों के नाम होते हैं जातियों के, वैसे वैसे ही आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। जिस राग के आरोह में पांच स्वर तथा अवरोह में सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ऑडम संपूर्ण राग जाति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर यानी जिस स्वर या जिस राग के आरोह में बच्चों ऑडा ऑडा लिख दिया मैंने आपको, ये जो जाती है आपकी आठवीं तो रह गया पॉइंट आपका ऑडव और शाडव। ठीक है, पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे, बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जिस स्वर या जिस राग के आरोह में पांच स्वर शाडव राग जाति। ठीक है बच्चों, ये हो गई लास्ट आपकी बची है ऑडव। ऑडव यानी नाइन पॉइंट है ऑडव। ऑडव ये आपको क्या बता रहे हैं, जिस राग के आरोह में कितने पांच स्वर, अवरोह में कितने पांच स्वर, स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे ऑर्डर ऑर्डर राग जाति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया है बच्चों राग जातियां क्या होती हैं, उसके बाद उनकी राग जातियों के प्रकार संपूर्ण शाडव और ऑडव। संपूर्ण में सात स्वर, शाडव में छह स्वर और ऑडव में पांच स्वर। पांच स्वरों के बाद मैंने आपको बताया कि इनकी उपजातियां क्या होती हैं, संपूर्ण 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 शाडव संपूर्ण ऑडव, शाडव संपूर्ण शाडव 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 ऑडव, ऑडव संपूर्ण ऑडव शाडव ऑडव ऑडव। इनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बच्चों, ये पूरा टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें क्या है राग जातियाँ उपजातियाँ और उनके दिनों के प्रकार, उनकी डेफिनेशंस, ये पूरा टॉपिक आपका यही खत्म होता है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कौन सा राग, कौन से राग में कौन सा स्वर है, कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं, कौन सी जातियाँ लगती हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए राग जातियों के बारे में और अपने राग में कितने स्वर लगते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इसे ध्यान से पढ़िए।